खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। याद रखने वाली तथ्य की अगर बात करें तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्सुद्दीन इल्तुतमिश था। इसके माता पिता मध्य एशिया के इलबारी कबीले के तुर्क थे। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। देखो दोस्तों, इल्तुतमिश के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं अंत में बताऊंगा उनके बारे में, तो बने रहे। इल्तुतमिश ने 40 अमीर सरदारों का एक दल तिरकान ए चहलगानी बनाया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की। इक्ता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश ने चांदी के टका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया। वह दिल्ली टेक्सटाइल की स्थापना करवाई। देखो दोस्तों, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में बंगाल पर विजय पाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का इक्ता बनाया, मतलब सूबा बनाया। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंबोर जीता तथा परमारों की राजधानी मंदोर पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश की सेना हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहलाती थी। इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री निजामुल मुल्क जनेदी था जो प्रसिद्ध विद्वान था। इल्तुतमिश के दरबारी लेखक का नाम मिनहाज उस सिराज था जिसने प्रसिद्ध ग्रंथ तबकाते नासिरी की रचना की। बियाना पर आक्रमण करने जाते समय इल्तुतमिश रोगग्रस्त हो जाने के कारण 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि इल्तुतमिश के ऊपर जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह कौन से है। इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी संबंधित था, किससे संबंधित था? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसके शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल को जारी करवाया? किसके सिक्कों पर बगदाद ए खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ?